जी जैसे ही घर आए अभी अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि इसके जो है बार काउंसिल का एग्जाम जो है क्लियर हो चुका है। गुंडा आ गया, नटखट शैतान सा बच्चा मेरा आ गया। क्या हाय, किसको हाय कर रहे हो? सारे पार्लर पति भी उधर पीछे से जा रहे हैं। बाय बाय। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, साथ में है रितु और जिया और इन लोगों को हम जा रहे हैं गर्ल्स स्कूल रोड के एक ब्यूटी पार्लर में। जी हाँ, ये लोग जो है ज़्यादातर वहीं पर जाया करती है जब भी पार्लर जाना होता है। और बात क्या है जी, एक अवसर है और अवसर है उपनयन संस्कार। तो रितु के भाई का उपनयन संस्कार में सभी को जाना है, तो ये दोनों कह रही थी कि हम लोगों को पार्लर जाना होगा, तो हम इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम और रितु पहुँच गए पार्लर के अंदर और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि लगन का समय है, तो अभी भीड़ तो होगी ही और हम लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद हमारा भी ये नंबर आ चुका है और यहाँ पे मैं अपना हेयर कट ले रही हूँ और रितु ने भी अपना जो भी करवाना था करवा लिया। मैं तो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई और धन्यवाद कहना चाहूँगी रितु का जिसने हमारा व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया और मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। फाइनली हमारा सब कुछ हो गया और मैं जा रही हूँ बस पेमेंट के लिए। यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है, पेमेंट करके फिर मैं निकलूंगी। तो अभी हम और रितु पैदल जा रहे हैं, कोई लेने ही नहीं आया हम लोगों को लेकिन कोई बात नहीं, घर देखा हुआ है तो चल रहे बस पैदल पैदल। बहुत सारी सब्सक्राइबर भी मिल गई, उनसे हमने बात किया और मैं जो ब्लॉग कर रही हूँ ना, बहुत सारी देख के हंस भी रही है। तो सब कुछ हो गया, अभी हम यहाँ पे आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। बगल में इधर से गोलगप्पे खा के और कुछ तो नहीं, गोलगप्पे खा के फिर हम लोग घर चल जाएंगे। गोलगप्पे खाने वाला हमें मिल गया, वैसे तो नहीं खाते लेकिन रास्ते से जा रहा था, सोचे ले लेते हैं और अब सीधा टोटो लेंगे और जाएंगे घर। मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया अकेले घूमने का। मजा आया आज बहुत बहुत ज्यादा मुझे मजा आया। स्पेशली मुझे लगता है कटिहार में पहली बार हम अकेले घूमे होंगे, ऐसे नहीं घूमते हैं यही लेके। शादी के बाद पहली बार निकली है इधर अकेले अकेले, मतलब हाँ ऐसे वैसे तो हम भी नहीं निकलते हैं, इनके साथ ही निकलते हैं। तो फाइनली हम लोगों को टोटो मिल गया और हम लोग जा रहे हैं। दोनों दादी जो है अपना बउआ को लेके बैठी। बा बा। तो मैं आ गई घर और कपड़े चेंज कर लिए फटाक से, अब जा रही मैं खाना बनाने के लिए। खाना बनाती हूँ सबके लिए क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो जल्दी से करना होगा, चलते हैं। The next day. तो जी फिलहाल मोनू गया हुआ है सलून और हम जो है सोए रह गए, नहीं जा पाए, तो फिलहाल हम जाते हैं जल्दी से और हम भी जा करके अपना जो है थोड़ा सा दाढ़ी सब जो है थोड़ा सेट करवा लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और जो है हेयर कट भी करवा लेते हैं क्योंकि एक फंक्शन में भी निकलना है तो उसके लिए तैयारी भी करनी है। A few moments later. और इधर जो है मम्मी का हो रहा है मालिश और अच्छी बात है कि क्रियांश जो है नीचे चला गया है। क्रियांश अभी तक नीचे था और आ गया है ऊपर, और ऊपर आते ही अपना इंक्वायरी में लग गया है। ए क्रियांश, जितना भी कमरा है ऊपर में, बाथरूम लेटरिन, उसके बाद सब रहने वाला रूम, पूजा रूम, पूजा रूम सब है, हर रूम का इंक्वायरी रहता है। कर ले क्रियांश, क्या बोलो बोलो, देख लो एक्टिंग, देख लो एक्टिंग। हाँ बहुत प्यारा है। बहुत अच्छी एक्टिंग, वो तो फिर देखता है पीछे से झांक के, बहुत अच्छी एक्टिंग है। क्या प्रसादी खा रहा है? मिश्री खा रहा है, मिश्री देखो मिश्री खा रहा है। नीचे अपना क्रियांश खेल रहा है और अपनी एक्टिंग को जारी रखा हुआ है। गाड़ी का एक पहिया गायब है, देख सकते हैं एक पहिया गायब है क्रियांश का, है क्रियांश। और इधर भी तो काट रही है अपना, क्या है? तो हमारा सेविंग हो गया जी, हेयर कट हो गया और अब सीधा चलते हैं बाथरूम, जा करके नहाते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। A few moments later. जी जैसे ही घर आए अभी अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि इसके जो है बार काउंसिल का एग्जाम जो है क्लियर हो चुका है। तो अब क्या, अब तुम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है इस लेसन से? कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए जी, यह तो पहला स्टेप है, बाकी अगला बहुत सारा स्टेप अभी बाकी है, तो उसके लिए मेहनत करते रहना है। इसे सेफ जोन में चलेगा, सेफ जोन में चलेगा। हम तो सोच रहे थे कि नहाने चले जाए लेकिन देख रहे यहाँ पर तरबूज कट रहा है, तो जल्दी से इसको काट दिया जाए, खाते हैं। और क्रियांश हो गया, क्या क्रियांश हो गया?
पैर दबा दबा के सोता है, टीम जला दिए थे, पूरा पैर में तेल लगा के उसको पैर दबाए सो गया। वाह, बहुत ही एकदम रईसी में सोता है वो। यहाँ पर सलाद के लिए खीरा कट के रखा हुआ है और यहाँ पर देख सकता है बन रहा है आलू परवल की सब्जी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चावल हम लोगों के यहाँ दिन में जरूर बनता है। तो अभी हम आए हुए हैं जी प्रिंटिंग की दुकान में और यहाँ पर कार्ड का देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर हुआ है उसका सैंपल एक देखना था और वो दिखा रहे हैं कि कोई भी अगर यहाँ पर करेक्शन होता है अभी करेक्शन करवा सकते हैं और करेक्शन करवा के आधे में मिल जाएगा। कार्ड का तो काम हो गया जी और अभी आ गए हैं यहाँ एक बुटीक और यहाँ से जो है जिया का कपड़ा लेना है। जिया ने यहाँ पर अपना कपड़ा से ले लिया था तो लेते हैं और चलते हैं। अच्छा, बैठ गया आराम से कुर्सी पे, तुम नापी कर रहा था ना? नहीं अच्छा, तुम गाड़ी में बैठेगा? अच्छा बैठा उसको गाड़ी में। वाह वाह वाह, बढ़िया। क्या कर रहे भैया, क्या डाल रहे हो? खुश है, जय जय जय। इसको कुछ अच्छा चीज जैसे कि खुशी का चीज को मिलता है, कहता है जय 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 जय। खुलिया टीवी क्रियांश, आ जल्दी। मेरा क्रियांश कहाँ है? कहाँ है क्रियांश? क्रियांश जो इधर है, जाट जाट कन्या बन गए। A few moments later, गुंडा आ गया, नटखट शैतान सा बच्चा मेरा आ गया। क्या हाय, किसको हाय कर रहे हो? हाय कर रहे भैया, हम नहीं लेंगे। जाओ, नहीं लेंगे तुमको। किसको देख रहे हो? चाचू को? हाँ, नहीं लिए तो भागो तुम अपनी चाची के पास। क्रियांश, पापा पापा, जाओ पापा पास, अब पापा पास जाएगा, पापा पास जाएगा। रख दिए उसको हम। क्या क्रियांश, बाथरूम को आ गए भैया? बाथरूम खुला नहीं रहता कि घुसने के लिए तैयार रहता है। जा, कोई नहीं खोलेगा। इसके पापा भी उठ गए, अब ले जाइए अपन बेटा को। पहचान कर लिया पापा, ऊपर आते ही बोलता है पापा, नहीं खुलेगा, नहीं खुली। पापा को देखते हैं, कहाँ जा ले हो? पापा पास जा ले हो? जा ले पापा पिए छोड़ने के लिए। जय जय। चलो।